हेलो एंड वेलकम बैक गाइज ऑन माय चैनल। अभी जैसा कि आप सबने जो है नीट का एग्जाम दिया होगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स जो हैं अच्छे नहीं आएंगे, हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी जो है निराश नहीं होना है। तो आपका जो है अभी जो भी आप तैयारी कर रहे थे उसे बिल्कुल भी रोकना नहीं है। तो अगर आपके नीट के एग्जाम अच्छे नहीं गए और आपको जो है मेडिकल फील्ड में ही रहना है, तो पैरामेडिकल एंड नर्सिंग जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आपके जो है मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो है नीट पे ही फोकस रखना है। और अगर आपको सिर्फ नीट ही करना है तो आप बिल्कुल है जो है रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है नीट के साथ साथ जो है बीएससी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग का भी फॉर्म भरा है और उन्हें अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं नीट के अंदर और वो जो है एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी पैरामेडिकल या नर्सिंग के लिए, तो उनके लिए मैं कुछ चीजें आज शेयर करने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा जो है पूछा गया है चैनल पे। तो अगर आपने बीएससी पैरामेडिकल या नर्सिंग का फॉर्म भरा है तो चलिए मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, प्लीज उसे जो है ध्यान में रखिएगा और अपना जो है तैयारी को बिल्कुल रोकना नहीं है। जो भी आपने नीट में तैयारी आप जो भी कर रहे थे उसे कंटिन्यूअस रखना है और बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी पैरामेडिकल के लिए। बीएससी पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ रहा है 19/5/2023 को, यानी 19 मई 2023 को, और एग्जाम डेट जो है इसका 27 मई 2023 है। तो नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड आ रहा है 2 जून 2023 को और उसका एग्जाम जो है ये है 12 जून 2023 को। ये ऑलरेडी आपको पता है बट मैं एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। मैं बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा, हो सकता है आपके माइंड से वो चीजें गया होगा, ठीक है। तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके ऊपर जो आपका टाइमिंग और लिखा होगा, सेंटर फिर दिया होगा, उसके बाद आप जो है आपको वहां पे सेंटर पे जाना है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में पहले बात करते हैं बीएससी पैरामेडिकल के लिए। तो पैरामेडिकल का बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि इसका जो एग्जाम है ये 90 मिनट का होता है, मतलब करीब 90 मिनट दिया जाएगा। उसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 30-30 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, जिसमें फिजिक्स के 30 होंगे, केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 30 होंगे। या आपका जो है अभी एडिशनल किया गया है कि उसमें मैथ के भी 30 पेपर होंगे, बट आपको चारों में से कोई 3 ही लेना है। यानी आप जो है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है ये कंपलसरी है, बट बायो एंड मैथमेटिक्स में आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप सॉल्व कर सकते हो कोई एक सा, ठीक है। आपको बस 90 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 90 मिनट आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग में जो है आपको 120 मिनट मिलता है, यानी टोटल 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें करीब 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 30-30 क्वेश्चन और 30 मतलब 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के, उसके बाद 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं आपके जनरल नॉलेज के। तो बीएससी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग दोनों के लिए जो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, तो टोटल जो बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम होगा 90 मार्क्स का 90 मिनट के लिए एंड 90 क्वेश्चंस होंगे। बीएससी नर्सिंग का जो है आपका 100 मार्क्स का टोटल होगा, आपको 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि बीएससी नर्सिंग एंड इसका पैरामेडिकल का जो है सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो बिल्कुल मैं साफ आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो यही प्रॉब्लम आ रहे थे कि मैं क्या पढ़ू नहीं पढ़ू। बिल्कुल आपको जो भी आपने, अगर आप नीट के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको वही फॉलो करना है, अपने जो भी पढ़ रखा होगा नीट के लिए, ठीक है, वही आपको बिल्कुल फॉलो करना है। उससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। जो नीट का सिलेबस है सेम सिलेबस है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, आपको उसे ही फोकस करना है। और आपको जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी एनसीईआरटी आप जितना पढ़ सके पढ़िए, क्वेश्चंस उसी से आएंगे ज्यादातर। बायोलॉजी के तो हमेशा एनसीईआरटी से ही आते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिलेबस के लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लगा। अगर आप नीट के लिए एग्जाम दे रहे थे तो आप जो भी तैयारी नीट के लिए कर रहे थे वही आपको कंटिन्यू रखना है। आपको बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको जो नीट का सिलेबस है वही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम जीके की, ठीक है। जीके में 10 क्वेश्चन होंगे, तो मैं इसमें टॉपिक बता देता हूँ इसमें क्या क्या होगा। तो जीके के लिए जो है जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये जो है 5 टॉपिक है, इसको आपको रेडी कर लेना है। आप जो भी यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियो इस तरह की, और करंट अफेयर्स आपको पता ही होता है जो न्यूज आप पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपका जो है नीट में आपने अगर 400 के अप्रोक्स या 350 से 400 के अप्रोक्स आपने स्कोर किया होगा तो आपका अच्छा चांस बनता है इधर होने का, ठीक है। क्योंकि जो पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, कम ही होता है। तो सिलेबस वही रहेगा नीट वाला, बस पेपर का लेवल डाउन होगा तो आपका जो है आप सिलेक्शन के चांसेस जो है इसमें आपका बढ़ जाता है, अगर आपका नीट का 350 से 400 के ऊपर आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है।
तो अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ जिसमें है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस एंड जो है ओबीसी एसटीएससी के लिए, ठीक है, तो आपको जो है अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, अपने मार्क्स भले ही आपके ज्यादा हो बट आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे, आप जो है अच्छे कॉलेज से रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट जो एक वैलिड जो डेट दिया गया है एम्स के वेबसाइट प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो उसके अंदर आप बनवा लें प्लीज, अभी डेट है आप उसे बनवा ले। अगर आप ऐसा सोचे कि हम पुराना दे देंगे तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं खुद जनरल से आया था, मेरा ओबीसी था बट मेरा वैलिड नहीं था, वो डेट में नहीं बना था, ठीक है। तो अगर आपके पास वैलिड ओबीसी नहीं होगा, डेट के अंदर बना होगा, तो आपको जनरल से सीटें मिलेंगी और आपको पता है कि जनरल का कटअप थोड़ा तो ज्यादा होता ही है, ठीक है। और आपका जो है कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा कि हम बाद में जमा कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है डेट बता देता हूँ कि किस किस डेट के बीच का आपका बना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, जो इससे पहले जो फर्स्ट टाइम जो प्रोस्पेक्टस आया था तो वो पहले डेट के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि आपको भी पता है कि जो अभी डेट जो है फिलहाल 14 तारीख को जब नोटिफिकेशन आया था तो डेट चेंज हुआ था सारा, तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस तो पहले ही आ चुका था, तो प्रोस्पेक्टस में डेट को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में जो डेट है मैं वो बता रहा हूँ, बट आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जो वैलिड जो होता है ओबीसी ये होता है 1 ईयर पहले आपके जो एग्जाम का डेट है लास्ट डेट, उस डेट से लेकर 1 साल पीछे तक का आपका वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले के अनुसार से जो डेट था ओबीसी का ये था 4/6/2022 से 3/6/2023 तक, ठीक है, यही डेट था बना हुआ। तो आपको इस बार आपका जैसे कि एग्जाम 27 मई को हो रहा था, तो आप श्योर करें कि 27 मई से पहले पहले आप ओबीसी बना के रखें, आप बिल्कुल उस डेट के चक्कर में न रहें, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो हम पहले बना लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और बस हमारा जो 1 साल पहले एग्जाम डेट से 1 साल पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा चेंजेस है ओबीसी के तुलना में, बिल्कुल ध्यान से ये चीज देखिएगा। ईडब्ल्यूएस जो है आपका जो डेट था पहले पुराने डेट के अनुसार वो था 1/4/2023 से 3/6/2023, इसमें आपको बस कितना 2 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। इसमें जबकि ओबीसी में आपको 1 साल का टाइम है, एग्जाम जिस दिन आपका डेट है उससे 1 साल पीछे तक का आपका वैलिड माना जाएगा, बट आपका जो है ईडब्ल्यूएस ये सिर्फ 2 महीने के लिए डेट दिया गया है, तो 1/4/2023 से 3/6/2023। तो आपका जो है जो भी आपका एग्जाम है, जैसे नर्सिंग का एग्जाम 12/6 का है और इसका ये है पैरामेडिकल का 27/5 है, तो आप जो है ये ईडब्ल्यूएस भी जो है इस 2 महीने के अंदर आप बना ले, ठीक है। तो आप जो ये डेट है 1/4/2023 से 3/6/2023 के बीच में आपका जो है ईडब्ल्यूएस बना लीजिए, और आप हो सकता है तो आप जो पैरामेडिकल एग्जाम है 27 से उससे पहले ही बना लें, तो 1/4/2023 से आप 27 जो है मई 2023 इसके बीच जो है आप बना के रख लें। तो अभी बिल्कुल टाइम है इसके लिए, आप बना सकते हैं, 10 से 15 दिन में बन जाता है और कहीं कहीं जल्दी भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो है लास्ट चीज हम बात करने वाले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीजें जो है पहले नहीं थी, और अभी पिछले साल 2022 का जो बैच है उससे ये आया है, उसके बाद से आया, क्योंकि हम लोग 2020 में दे रहे थे, 21 में भी नहीं था, 20 में भी नहीं था, तो ये चीजें। तो अभी मैं बता दूं इसका कितना बड़ा ये है, उससे आपको एक कट ऑफ का भी आइडिया हो जाएगा कि कितना नंबर आपको स्कोर करना है, ठीक है, कंफर्म सीट के लिए। तो यहाँ पे जो है मिनिमम कट ऑफ जो है क्वालिफाइंग के लिए ये एक डिसाइड किया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए, यानी कम से कम आपको इतने नंबर्स को लाने ही है अगर आपको एडमिशन लेना है, फिर एडमिशन मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन इतने नंबर आपके आएंगे तो ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, वरना काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना है मिनिमम कटअप जो है आपका 50% फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए आपको 50% नंबर जो है मिनिमम स्कोर करना है काउंसलिंग में एलिजिबल होने के लिए, यानी क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपका नर्सिंग का 100 नंबर का होता है तो आपको 50 नंबर कम से कम लाने हैं, और आपका जो पैरामेडिकल का जो है होता है 90 नंबर का, तो आपको 45 नंबर कम से कम लाने हैं ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम ओबीसी का करते हैं, ओबीसी में जो है 45%, यानी अगर जैसे नर्सिंग का 100 नंबर का है तो 45 नंबर आपको चाहिए ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद एसटीएससी के लिए जो है 40%, तो ये आपका जो है 50%, 45% एंड 40% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, 50% यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, 45% ओबीसी एंड 40% एसटी एंड एससी के लिए मिनिमम नंबर आपको जो टोटल मार्क्स का एग्जाम हो रहा है उसका इतना परसेंट नंबर जो है आपको मिनिमम लाना है काउंसलिंग में एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। तो फाइनली अब मैं बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितना जाता है, यानी आपको एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर मिनिमम स्कोर करना होगा, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पैरामेडिकल का। तो पैरामेडिकल में क्या है, तो जैसा कि मैं एम्स भुवनेश्वर में हूँ, तो जब 2020 में मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम करीब 47 सीट थी पैरामेडिकल के अंदर, तो उसमें सारी की सारी सीटें भर गई थी क्योंकि उसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था, तो सारी सीटें भर गई। अगर नहीं है तो जितने भी लोग हैं सबको मिल जाएगा, चाहे उसको कितना भी कम नंबर 20 नंबर 10 नंबर भी रहेगा, अगर सीटें खाली होंगी तो मिलेगा। बट जब से ये चीजें आई है तब से भले सीट खाली रह जाती है, 2021 में पूरा सीट भरा, 2022 में जो है केवल 50% सीटें भरी है, 50% सीटें खाली है। यानी आप ये चीज देख सकते हैं कि जो लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, यानी 40% या 45% जो है या 50% मार्क्स जो जनरल या ओबीसी एसटीएससी के लिए ये लोग लेके आ ही नहीं पाए, तो उन्होंने जो है इतना सीटें जो है करीब 50% करीब 22 सीटें भरी 2022 में और बाकी सीटें खाली रह गई। तो ये चीज अभी भी है। तो अगर आपको इसमें जो है पैरामेडिकल के अंदर आपको सीट लेना है तो आपको मिनिमम जो है ये नंबर को पार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सीटें खाली थी, इसका मतलब कट ऑफ भी यही रहेगा, यानी 50% से अगर आप स्कोर ज्यादा कर लेते हो यानी आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटें खाली रह गई तो इसका मतलब ये था कि लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको सीटें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग के लिए। ठीक है, नर्सिंग में आपको जो है कम से कम स्कोर जो है यहाँ पे सीटें लगभग भर ही जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा होते हैं तो क्वालिफाई भी करते हैं। तो आपको नर्सिंग के लिए मिनिमम जो है आपको अगर सीट लेना है तो 60% मार्क्स जो है आपको कंफर्मली लेके चलना होगा कि आपको स्कोर करना पड़ेगा, और बाकी कम में भी मिल सकता है, और उसके बारे में हम बिल्कुल जो है बाद में बात करेंगे। तो आप ये मन में बना के रखें कि जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम 50% से ऊपर आपको स्कोर करना है, और जो बीएससी नर्सिंग के लिए 60%, तो आप दोनों भी कर सकें कि आपको मन में पहले ही बना के चलना कि 60% मिनिमम इसको आपको करना है। ठीक है, बाकी की चीजें जो भी है, मैं अभी एग्जाम आपका जल्दी आ रहा है तो इसलिए मैं ये सब चीजें जो डिस्कस करना जरूरी था मैंने ये किया है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो मैं लाइव आता रहूंगा अभी, क्योंकि टाइम मुझे मिलता नहीं है तो मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं लाइव आता रहूंगा, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप हमें पूछ सकते हो। इसके लिए आप प्लीज हमारे बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ आपको नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप बेल आइकन सारा दबा दें, ऑल कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। अभी मैं पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं जैसे ही आपका ये एग्जाम हो जाता है, उसके बाद क्या क्या आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, कितना कॉलेज में सीट है, किस कॉलेज में कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कोर्स में क्या होता है, पैरामेडिकल में टोटल कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से एम्स के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो रहा है, पैरामेडिकल का हो रहा है, ये सब हम जो है इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।